हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर एक बात कई लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने सोचा कि आज ये बात शेयर करना चाहिए। हम लोग इंटरव्यू का सीरीज चला रहे हैं। इंटरव्यू में मेरी ये कोशिश है कि आप किसी भी तरह का इंटरव्यू आपका हो, कभी आप फेल नहीं होंगे अगर इन बातों को आप फॉलो करते हैं। यदि इन बातों को आप सोचते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेटली आप इंटरव्यू पास करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक इंटरव्यू लेने वाला पैनल आखिर वो सारी कमियों को कैसे जान जाता है। पहली बार हम मिलते हैं उससे, लेकिन वो फिर आपकी सारी अच्छाइयों को और कमियों को भी जान जाता है। उस 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट, उस 5 मिनट में आपकी सारी चीजों को वो जान जाता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। वो हर एक चीज को समझ जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि वह आपकी पहले जो इसकी सोर्स ऑफ डेटा, एक शब्द आता है हम लोगों में जब हम लोग बात करते हैं या किसी चीज़ को बंदों को हायर करने के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो सोर्स ऑफ डेटा क्या है? तो सोर्स ऑफ डेटा योर सीवी, योर करिकुलम डेटा, योर जॉब प्रोफाइल इज योर सोर्स ऑफ डेटा। रिगार्डिंग किसके लिए? आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें, वो सोर्स ऑफ डेटा जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ कहते हैं। दो चीज़ें, वो भी पता चल जाता है कि क्या आपकी सीवी किसी एक्सपर्ट ने बनाई है, ध्यान दीजिएगा, किसी एक्सपर्ट ने बनाई है या आपने कॉपी पेस्ट किया है, ये पता चल गया। वो देखते ही वो जान जाएगा, क्योंकि दिन रात का वही काम है, दिन रात का वही काम है हम लोगों का, या जो लोग लेते हैं इंटरव्यू उनका वही काम। तो आपकी सीवी देखने के बाद वो समझ जाता है कि हाँ ठीक है, सीवी तो देख लिया, पहली नजर में आपको सीवी देखा। उसके बाद से अगर उसको कोई भी डाउट होता है, अगर सीवी देखा, अगर कोई डाउट हुआ, तुरंत आपसे क्वेश्चन करता है वो पैनल, तुरंत आपसे क्वेश्चन करेगा। और उस क्वेश्चन का जवाब अगर उसके अकॉर्डिंग सही निकला तो अपना वो कॉन्सेप्ट बनाता है, अगेन क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, अगेन क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। यानी इट मींस आपके जो डेटा है वो सही है, आपका पॉजिटिव वे में इंटरव्यूज आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें आ गई जो मैच नहीं किया आपकी सीवी से, आपने कुछ ऐसा बोला, जैसे कई बार होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है उस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछ दिया जाता है कि हाँ सर, ये प्रोजेक्ट अगर आपका कब था, किस ईयर में था। सपोज करिए कि 2003 में था और मैंने भूल के कह दिया कि ये प्रोजेक्ट, हाँ ये प्रोजेक्ट तो आपने 2002 में कंप्लीट कर लिया था ना सर, तो था 2003 में, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ 2002 में तो कर लिया था ना सर आपने, तो आपने हाँ सर, हाँ मैंने 2002 में कर लिया था, आपने हमें हाँ मिला दिया। यानी आपको ये ध्यान नहीं है कि पहला प्रोजेक्ट आपने कब पूरा किया था, जबकि एक्चुअली आपने इस चीज को पूरा कब किया था, 2003 में। तो पहली चीज आपकी पकड़ी गई, लेकिन आपको कोई बताता नहीं कि पकड़ ली। इस तरह से न जाने अनेक क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू लेने वाला आप क्वेश्चन करता है और आपकी हर एक बात को जान लेता है, समझ लेता है। बगैर कहे बैठना, अगर आप बगैर कहे बैठ गए, तमाम तरह की गलतियां कहीं ना कहीं लोग कर ही देते। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग तो पूछते भी नहीं है, कुछ लोग तो दरवाजा ऐसे झटके से खोला और जैसे लगा कि चलो भाई हाँ, एक गेस्ट हाउस है मेरे फादर का, यहाँ गए और बैठ के बात करना शुरू कर देते। खैर डजंट मैटर, अगर आप ऐसे, तो पहली बार में जो इंटरव्यूअर ये बातें जान लेता है, तो उसके बारे में आपके बातचीत करने से नंबर वन, आपकी सीवी से नंबर थ्री, आपकी एक्टिविटीज से नंबर फोर, आपकी घबराहट से, आपको पसीना आना इससे, इधर उधर देख के बात करना इससे जान लेता है, आई कांटेक्ट का न होना और चेहरे पे परेशानी का भाव दिखना, ये तमाम वो कारण होते हैं जिससे इंटरव्यूअर ये जान लेता है कि आप कहाँ तक हैं, आपका लेवल कहाँ तक है। बात समझ रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखें। यही कारण है, ये कारण है जिसके वजह से इंटरव्यूअर आपको वो सारी चीज़ें जान लेता है, समझ लेता है और फिर वो अंदाज़ा लगा लेता है आपको जॉब देना है नहीं देना है, या आपको वापस भेजना है, एक मौका और देना है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे और बेशक जब भी आप जाएं तो कुछ बेहतर करके जाएं, कुछ बेहतर सोच के जाएं, क्योंकि अगर जीतना है तो सच का सहारा जरूर लीजिएगा। मैं मानता हूं कि इस समय का जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेक चलती हैं, सही इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम लोग भी इस बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी जीत सच्चाई की ही होती है। अगर आप सच करके अगर कोई काम करना चाहें तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, आप इंटरव्यू में पास होंगे, आप इंटरव्यू में सफल होंगे। लेकिन यदि आप एक झूठ चलो चल जाता है,
लेकिन यहां पे दिक्कत क्या होता है, यहां तो एक झूठ नहीं, यहां तो झूठ की संख्या ज्यादा होती है। अब पूछो कि सच कितना है, क्या एक भी सच है, क्या दो सच है? तो आज प्रश्न ये उठता है कि सच की कमी हो जाती है और सिर्फ झूठ ही झूठ होता है। तो सर मैं मानता हूं कि झूठ की बाजार में झूठ बिकता है, लेकिन जहां सच की बात आएगी, जहां ज्ञान की बात आएगी, जहां आपके नॉलेज की बात आएगी, झूठ के बाजार में आपका सच बिकेगा, आपका सही ज्ञान बिकेगा, आपका सही नॉलेज बिकेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बिकेगा। झूठ तो झूठ ही है, झूठ तो चलता ही रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। कोशिश करिए, बेहतर करिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर जॉब मिले तो एक मेल जरूर करिएगा, और अगर इससे मिला तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।